what's up i'm R and welcome back to my channel so i hope you guys know that your cutoffs are going to arrive on 12th of october and uh, yeah many websites and sare blogs and information sites were posting about this but i wasn't sure till then so i did not so uh, recently i confirmed from one of my senior professors from college and she confirmed it to me that yes uh, 12th of october ko pehle cutoff lists release honge so या दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग यूकॉइज नाउ बेसिकली इट विल नॉट बी पोस्ट पोन्ड बट इट कैन भी प्रीपोन्ड ट्वेल्थ ऑफ अक्टोबर इज़ लाइक द लास्ट यू नो डेट वन ऑफ द डेट्स वन द कट ऑफ कैन कम बट इट कैन इवन कम बिफोर दैट सिंस यू जी सी हैज़ ऑल्सो यू नो रिलीज्ड इट्स नोटिफिकेशन एंड सेट दैट फ्रेशर्स एंड फर्स्ट ईयर्स डेट इज़ आप लोगों के कॉलेज जो स्टार्ट होंगे इस सेशन के लिए वो फर्स्ट ऑफ नोवर से होंगे एंड आप एंड आपके क्लासेस फर्स्ट ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे उसके पहले सारी एडमिशन प्रोसीजर खत्म हो जानी चाहिए सो आई थिंक फर्स्ट लिस्ट कैन इवन अराइव बिफोर ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर बट नॉट आफ्टर दैट सो ट्वेल्थ इज लाइक द मेन यू नो डेट इसके अराउंड आ जाएगा लिस्ट सो so, uh, जो एक मेजर क्वेरी है सारे स्टूडेंट्स की विच आईव गॉट इन अ लॉट ऑन माय इंस्टाग्राम एंड इन माय कमेंट सेक्शंस वो ये है कि कैसे सिलेक्ट करें कॉलेजेस एंड किस बेसिस पे सेलेक्ट करना है हाउ टू चूज द राइट कॉलेज फॉर मी एंड विच कॉलेज एंड विच कोर्स विल बी राइट फॉर मी सो दीज आर सम क्वेरीज विच हैव बिन पोरिंग इन अ लॉट सो आई वॉन्टेड टू एड्रेस इट हियर सो आई बी टेलिंग यू सम जनरल वेज इन विच यू कैन सॉर्ट आउट योर बेस्ट कॉलेज फॉर योर Because every student's best and preferred college will be different from each other. So, I cannot tell you one on one, so, I'll be telling you a generalized form of that i hope this video will really help you because yeah i've added most of uh, you know the queries and most of the important points here so yeah don't forget to watch this video till the end and if you like it don't forget to subscribe to my channel and before that go check out my university admissions playlist my bhojali informational videos bana rakhe pehle se hi, like top 10 colleges in delhi university or north campus versus south campus and many others you know merit based courses entrance based courses and uh, they'll be really helpful for you so go check them out and yeah now without any Further ado, let's get in the video. First of all, for the students who have no idea which college and which course to go for, I होप दैट एटलीस्ट यू आर क्लियर इन योर हैड कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है दैट इज आर्ट साइंस एंड कॉमर्स आई टेल यू वन और टू कॉलेजेस दैट आर बेस्ट फॉर एवरी स्ट्रीम सो इफ यू नो आई एम जनरलाइजिंग अबाउट आर्ट्स तो आर्ट्स के सारे कोर्सेज उसमें आ जाएंगे दैट इज हिस्ट्री जोग्राफी साइकोलॉजी सोशियलॉजी एंड एवरी थिंग एल्स सो दीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन दी एन आई आर फ्रैंकिंग्स बट नॉट टोटली ऑन डैट क्योंकि मैंने बहुत ही जनरलाइज्ड वे में इन कॉलेज को सिलेक्ट किया है तो मैंने उसमें अकेडमिक एनवायरनमेंट भी ऐड किया है फैकल्टी भी ऐड किया है एंड उसका ई सी ए नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कैसा सिस्टम है एंड ओवरऑल पूरे कॉलेज का स्ट्रक्चर कैसा है कैंपस कैसा है एवरीथिंग एल्स सो ओवरऑल आपके स्ट्रीम के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा एंड आई एम अज्यूमिंग यू हैव अ वेरी गुड परसेंटेज सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स हु हैव यू नो एवरेज और वेरी लो मार्क्स आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट कॉलेज आर्ट्स में लड़कियों के लिए बेस्ट है मेरेंडा हाउस दैट इज़ इन द नॉर्थ कैंपस इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो इन द नॉर्थ कैंपस अगर आप साउथ कैंपस का कॉलेज चाहते हो तो लेडी श्री राम कॉलेज बेस्ट होगा आपके लिए इफ़ यू विश टू गो फॉर आर्ट्स नाव दैट इज़ फॉर ओनली गर्ल्स अगर लड़के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है सेंट स्टीफनस कॉलेज ऑफ द नॉर्थ कैंपस सेंट स्टीफनस के साथ हिंदू uh, भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको वो भी मिल रहा है तो डेफिनेटली गो फॉर दैट बिकॉज वी ऑल नो सेंट स्टीफनस के कटऑफ कैसे गए इस बार सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर हिंदू और हंसराज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके कट ऑफ बहुत लो जाएंगे बट जस्ट यू नो से स्टीफन से कम जा सकते हैं टॉकिंग अबाउट द कॉमर्स स्टूडेंट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज द बेस्ट फॉर यू अगर आपको इसमें एडमिशन मिल रही है इसके अलावा कोई भी और कॉलेज को आप ऑप्शन में मत रखना इसी कॉलेज को लेना um, इसके साथ ही अगर मैं नॉर्थ कैंपस में ही आपको बताऊं तो हिंदू इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एंड अगेन हंसराज इज अ वेरी गुड ऑप्शन सो ये तीन में से आप किसी भी कॉलेज को ले सकते हो नॉर्थ कैंपस में अगेन एफ वी सी इन द साउथ कैंपस अगर आप साउथ कैंपस के किसी कॉलेज को चाहते हो तो वो आप या तो एल में ले सकते हो या तो वेंकी में ले सकते हो वेंकी इज़ वेंकटेश्वरा कॉलेज सो यू कैन गो फॉर आइदर वेंकटेश्वरा और एल एस सिर्फ लड़कियों के लिए है वेंकी कोएड um, है इसमें लड़के लड़कियाँ दोनों एडमिशन ले सकते हैं सो दैट यू कैन गो फॉर इन द साउथ कैंपस नॉट Talking about the science stream, if you're a girl, you should definitely go for Miranda House, that is the best college for girls for the science stream. And if you're a boy, you can go for Hindu College, and both these colleges are in the north campus. So, yeah. साउथ कैंपस के लिए अगेन इट्स द सेम थिंग वेंकटेश्वरा इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट ऑल्सो कीप दिस वन थिंग इन माइंड कि मैं आप सारे स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं बता सकती हूँ जो आप सबको सूट करेगा सो एवरी बेस्ट प्रेफर्ड कॉलेज फॉर एवरी स्टूडेंट कैन बी डिफरेंट हो सकता है किसी को नॉर्थ कैंपस पसंद हो सकता है किसी का प्रेफरेंस साउथ कैंपस हो फॉर एनी रीजन एट ऑल हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज पसंद हो बट आप जिस कोर्स में लेना चाह रहे हो वो उस कॉलेज का अच्छा ना हो सो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास दो तीन प्रीफर्ड कॉलेज होते हैं एंड देन यू आर कन्फ्यूज कि इन दो तीन में से कौन सा सिलेक्ट करूँ मैं एंड किस में जाऊँ तो बेसिकली आपको किसी एक कॉलेज के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो आपका बेस्ट कॉलेज हो सकता है एंड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है सो दैट यू कैन ओनली गेट टू नो बाय द स्टूडेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज सो देश वन थिंग डेट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू बिफोर द कट ऑफ अराइव जो मैं चाहती हूँ आप सारे स्टूडेंट फॉलो करो सो आई होप आप सारे बच्चे सोशल मीडिया पर तो एक्टिव होते ही हो बी एड फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर लिंकड इन सो आप सारे ये सारे प्लेटफॉर्म्स पर तो एक्टिव रहते ही हो सो यू हैव टू डू वन थिंग गो सर्च फॉर योर सीनियर्यर्स ऑफ द सेम कॉलेज अगर आपका कोई प्रिफर्ड कॉलेज है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन हिंदू कॉलेज गो सर्च फ सीनियर्स जो करेंटली हिंदू कॉलेज में हैं जो करेंटली वहाँ पढ़ रहे हैं गो एंड टॉक टू देम हैव अ कन्वर्सेशन विद दैम टॉक अबाउट योर डिपार्टमेंट जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो जिस डिपार्टमेंट में लेना चाहते हो उस डिपार्टमेंट के बारे में बात करो उस कॉलेज के एन्वायरमेंट के बारे में बात करो फैकल्टीज़ की बात करो एंड यू नो इट इज़ ईज़ी टू फाइंड योर सीनियर्स ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने बायो या अपने यू नो पर्सनल डिटेल्स में डाल कर रखते हैं उन का कॉलेज यू नो उनके कॉलेज के डिटेल्स सो दैट यू कैन ईजिली गो एंड फाइंड स्पेशली ऑन फेसबुक फेसबुक पर आराम से मिल जाएगा आपको तो आप अपने सीनियर्स को सर्च करो उस कॉलेज के एंड गो स्पैम लाइक लिटरली स्पैम दैम अगर आप जेन्यून वे में कोई क्वेरी पूछते हो किसी से तो एनी वन वुड बी रेडी टू हेल्प यू आउट विद इट एंड विल गिव यू आर रिप्लाई यू नो इफ यू लाइक टॉक प्रॉपरली एंड इफ यू आस्क योर क्वेरी प्रॉपरली टू दैट पर्सन सो यू कैन डू दिस थिंग गो एंड सर्च फॉर योर करंट सीनियर्स लाइक द वंस हु आर इन सेकेंड थर्ड यर यू नो दीज पीपल या फिर रिसेंट पास आउट भी हों तो ठीक है बट नॉट लाइक यू नो रीसेंट का मतलब जो अभी जो थर्ड Year से पास आउट हुए हैं वो बच्चे उससे पहले के बच्चे से आप नहीं पूछ सकते हो ज्यादा कुछ बिकॉज द प्रोसेस एंड एवरीथिंग चेंजेस एवरी टाइम सो दैट वॉन्ट बी वेरी हेल्पफुल एज फार एज द जर्नलिज्म डिपार्टमेंट इज कंसर्न एंड एज फार एज स्टूडेंट आर वॉन्टिंग टू टेक एडमिशन इन डेली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म आर कंसर्न you all can talk to me if you wish my delhi school of journalism i'm in the third year right now so if you wish you can come and talk to me directly on instagram so um, yeah i'll try to help you out with any query you have about the college the department the college anything so um, also i've made many videos on that also so first you can go and check them out um, apart from that yeah this is very important and this will be most helpful to you so don't go searching for the college uh, here and there on you know अजीब अजीब से वेबसाइट पता नहीं करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते भी है या नहीं सो डायरेक्टली गो एंड टॉक टू योर करेंट सीनियर्स नाउ द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू एड्रेस इज़ कोर्स वर्स कॉलेज बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है बट मुझे इसमें प्रिफर्ड कोर्स नहीं मिल रहा या जिस कोर्स में मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा तो मैं कॉलेज को प्रेफर करूँ या अपना प्रेफर्ड कोर्स किसी यू नो उससे कम रैंक वाले कॉलेज में एडमिशन लूँ क्या करूँ सो आई नो बहुत से बच्चे आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो आप उसे डेफिनेटली ले लो किसी भी कोर्स के लिए बट आई विल नॉट सजेस्ट यू दैट बिकॉज अगर आप अपना प्रिफर्ड कोर्स चुनते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उस कोर्स में इफ़ यू रियली वॉन्ट टू परस्यू अ करियर इन दैट यू नो सब्जेक्ट विद दैट सब्जेक्ट विद दैट फील्ड योर कॉलेज विल नॉट मैटर अल्टीमेटली बिकॉज आप किसी भी कॉलेज में रहोगे अगर आपका कोर्स आपके मन के लायक है एंड अगर वो कोर्स आपको बहुत पसंद है यू विल भी एक्सेलिंग इन दैट इर रिस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज नेवर गिव द कॉलेज प्रेफ्रेंस ओवर द कोर्स अब बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में आप ये कर सकते हो अगर आपको हिंदू कॉलेज मिल रहा हो मरेंडा मिल रहा हो ये सारे कॉलेजेस के लिए यू कैन कॉम्प्रोमाइज अ लिटिल विथ योर कोर्स बट डोंट यू नो इन जनरल डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर कोर्स आप अपने कोर्स को ही लो कॉलेज आप सेकेंडरी रखो कोर्स के बाद रखो सो या कोर्स इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन योर कॉलेज बिकॉज अल्टीमेटली आपको डिग्री जो मिलेगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ डेली की ही मिलेगी उस पर कॉलेज का फिर ऐसा खास कुछ काम रहेगा नहीं बट द कोर्स विच यू चोज इन दैट विल बी विथ यू योर इंटायर लाइफ सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टेक योर डिसीजीज एंड एवरी थिंग एज फार एज द एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज आर कंसर्न की उनके रिजल्ट कब आएंगे तो मैं बहुत जल्द उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ सो स्टे ट्यून फॉर दैट और यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन गो इन कॉमेंट डाउन बिलो या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी टेक्स्ट कर सकते हो आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो बिकॉज मैं आपको वहाँ पे डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी so you can go and do that as well don't forget to subscribe to my channel and i'll see you very soon with a new video till then wishing you all the luck